हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे पेंशन धारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अगर आप एक पेंशन धारक हैं, वो भी आप वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं, तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर सरकार तरफ से यहां पर आदेश जारी कर दिया गया है। अब आपको 31 जुलाई से पहले आपके खाते में 3,000 रुपये, यानी साल के बात की जाए तो 12,000 रुपये की रकम आपके खाते में अब भेजी जाएगी। जैसा कि विकलांग और विधवा पेंशन जारी कर दिया गया है, जिन पेंशनर्स ने अभी तक अपना लिस्ट में नाम नहीं चेक किया है, वो पेंशनर्स अपना लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं। इसके लिए मैंने अलग से भी बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड किया है, तो अगर आप चाहते हैं कि उसके लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे वृद्धावस्था पेंशन के बारे में, जो कि यहाँ पर सरकार तरफ से पेंशन जारी करने की तिथि घोषित कर दी गई है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सरकार तरफ से आर्थिक सुरक्षा मुहैया प्रदान करने के लिए सरकार तरफ से सामाजिक सुरक्षा पेंशन जारी की जाती है, जिसमें अभी तक अप्रैल मई जून की पेंशन जो कि यहाँ पे पेंशनर्स के खाते में भेजी जा रही है। तो ऐसे में दिव्यांग पेंशनधारी और विधवा पेंशन धारकों के खाते में यहाँ पर जो कि पेंशन जारी कर दी गई है। अब वृद्धावस्था पेंशन जारी करने की तैयारी सरकार तरफ से हो चुकी है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर 32 लाख बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन की पहली किस्त अब तक नहीं मिल सकी है, जो कि कुछ ऐसे पेंशनर्स हैं जिनके खाते में पेंशन जारी भी की गई है। यानी अब यह पैसा आपके खाते में, आपके अकाउंट में 31 जुलाई तक आपके पेंशन जारी कर दी जाएगी। यानी यह दावा समाज कल्याण विभाग की तरफ से किया गया है। आधार कार्ड के वेरिफिकेशन और बैंक के NPCI अकाउंट को NPCI के पोर्टल पर लिंक करने की दिक्कत के चलते जिनकी पेंशन नहीं मिली है, उन्हें पेंशन जारी कर दी जाएगी, जो कि 31 जुलाई के पहले पहले। अभी सरकार की तरफ से जो ऑफिशियल डाटा दिया गया है, वो ऑफिशियल डाटा की अगर मैं बात करता हूँ, तो अभी तक यहाँ पर विधवा और वृद्धावस्था पेंशन, साथ ही साथ यहाँ पर बात की जाए तो विकलांग और कुष्ठ रोगियों को पेंशन सरकार उत्तर प्रदेश की तरफ से जारी की जाती है, जिसमें 1,000 रुपये की धनराशि आपके खाते में भेजी जाती है। तो ऐसे में तमाम नागरिक ऐसे हैं जिनको पेंशन नहीं मिली है, जिनका NPCI नहीं हुआ है, यानी का DBT सक्रिय नहीं हुआ है, ऐसे पेंशनर्स के खाते में पेंशन जारी नहीं की गई है। तो प्रदेश के सभी जिलों में अगर बात की जाए तो 52 लाख बुजुर्गों को पेंशन सरकार की तरफ से दी जाती है, जिसमें 15 जून तक महज 20 लाख अभ्यर्थियों के खाते में पेंशन भेजी गई थी। और वहीं अफसरों का दावा है कि बाकी अभ्यर्थियों को 31 जुलाई तक पहली किस्त का, यानी साल 2024 की सेशन पहले की यहां पर आपको रकम जो है वो भेजी जाएगी। यह भी दावा किया जा रहा है कि बचे हुए लाभार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा अगले सप्ताह में पैसा भेज दिया जाएगा, यानी आपको 31 जुलाई तक इंतज़ार करना है, उसके पहले भी आपके खाते में यह धनराशि जारी हो सकती है। सरकार राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर नागरिकों को मिलने वाली सभी तरह के लाभ के लिए उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट करती है। चाहे आपका PM आवास योजना हो, चाहे आपका लाडली बहना योजना हो, लाडो प्रोत्साहन योजना हो, या सरकार तरफ से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा हो, हर एक सरकार तरफ से योजना का जो पैसा है वो आपके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी NPCI आपके खाते में होना अनिवार्य है। यह मतलब होता है कि आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से और आपके अकाउंट से लिंक है, जैसे ही यह नंबर डाला जाएगा और पेमेंट भेजी जाएगी, एक साथ सभी के खाते में पहुंच जाएगी। तो लाभार्थियों के बैंक अकाउंट को NPCI के पोर्टल पर लिंक करने का निर्देश दिया गया है। ऐसे लाभार्थी जिनके बैंक अकाउंट अभी तक NPCI पोर्टल पर लिंक नहीं हुए हैं, वह अपने बैंक की शाखा में जाकर आधार, पैन कार्ड और प्रार्थना पत्र देकर अपने बैंक अकाउंट को NPCI में पोर्टल और लिंक करवा लें। अगर आप यह कार्य कर लेते हैं तो आपको यह पेंशन जारी कर दी जाएगी। बात करते हैं लखनऊ में, तो लखनऊ में वृद्धावस्था पेंशन के 62,000 लाभार्थी हैं। इन्हें 15 जून को पहली किस्त के तौर पर 3,000 रुपये भेजे जाने थे, लेकिन ज़्यादातर के अकाउंट में यह रकम नहीं पहुंची। इसे लेकर कई लाभार्थी समाज कल्याण विभाग के चक्कर भी काट रहे हैं। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि बचे हुए लाभार्थियों के खाते में ज़्यादातर अगर बात की जाए तो यहाँ पर अगले सप्ताह में इस योजना का पैसा भेज दिया जाएगा, यानी पेंशन का पैसा अब वृद्धावस्था आपके खाते में भेजा जाना शुरू हो गया है। अब जिन पेंशनर्स की NPCI कंप्लीट है,
डीबीटी सक्रिय है उनके खाते में यह रकम भेजी जा रही है, यानी 31 जुलाई तक सभी पेंशनर्स के खाते में भेज दिए जाएंगे। जिनका एनपीसीआई कंप्लीट नहीं होता है, डीबीटी सक्रिय नहीं होता है, या आधार कार्ड में उनके कोई दिक्कत है, या उनके जन्मतिथि से लेकर कोई समस्या है, तो ऐसे पेंशनर्स को भी पेंशन रोकी जा सकती है। अगर आपके सभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपके खाते में यह पेंशन जल्द ही जारी होने वाली है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।